साथियों, मैं अभी केवी के कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी आगरा पर आया हुआ हूँ। यहाँ बिक्री के लिए बैंगन की पौध तैयार है, तो मैंने सोचा कि आपको इसकी जानकारी दी जाए। अगर आप इच्छुक हों तो यहाँ से ये बैंगन की पौध ले सकते हैं। और क्या बैंगन है, किस तरह की उसका उत्पादन वगैरह है, इसके बारे में यहाँ पर डॉक्टर अनुपम दुबे हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे उस पौध के बारे में जानकारी भी लेंगे कि किस दर से ये किसानों को मिल सकती है। मेरे साथ में केबीके से अनुपम दुबे जी हैं। दुबे जी, अभी आपने जो बिक्री के लिए बैंगन की पौध का डाला है, तो जी करीब उसके बारे में जो अभी आपके पास पौध तैयार है, क्या वैरायटी है उसकी जी और क्या यील्ड वगैरह है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिएगा। जी नमस्कार किसान भाइयों, मेरे पास जो बैगन की पौध है वो पूसा पर्पल राउंड की वैरायटी है, और यह इसमें जो फ्रूट आता है वो राउंड शेप में आता है, और फ्रूट लगभग 130 135 ग्राम तक का हो जाता है फ्रूट, इससे ऊपर भी चला जाता है, और एक पौधे पे लगभग एक बार में 6 से 7 फल तक आते हैं, जो कि लोकल मार्केट और बाहर दोनों मार्केट में जिसकी अच्छी मांग रहती है, अच्छा उत्पादन होता है, और करीबन करीबन लगभग 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक इसमें उपज प्राप्त हो जाती है। कृषि विज्ञान केंद्र पर पौध तैयार रहती है, जो कि 1 रुपये प्रति पौधे के हिसाब से हम लोग बिक्री दर रखते हैं, जी जिसमें किसान भाई आते हैं तो उनको हम लोग खेती करने का प्रॉपर तरीका भी बताते हैं कि किस प्रकार वह यहाँ से पौध ले जाकर अपने खेत में पौधों को लगाएं, कितने समय पर पानी दें, क्या क्या उसे उर्वरक दें, क्या क्या कैसे करना है, सारी चीज़ें हम लोग उनको बताते हैं, और हमारी ही बताई हुई गाइडलाइन से वो जब करते हैं तो उनको अच्छा उत्पादन मिलता है। अच्छा, अभी की बात करें, जैसे अभी मान लीजिए बैंगन लगाते हैं, तो अभी बैंगन लगाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या उर्वरक देना चाहिए और सबसे पहले तो खेत की तैयारी अच्छी होनी चाहिए, जी और उसमें NPK और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह, सबसे पहले तो मिट्टी की जांच, जो हमारी प्राथमिकता है वो है मृदा की जांच, उससे पता लगेगा कि हमारे जो हम खेती करने वाले हैं उसके लिए मृदा में वो सभी पोषक तत्व तो हैं या नहीं हैं जो पौधों को आवश्यक हैं। अगर नहीं है तो हमारे द्वारा बताई हुई गाइडलाइन पे उन लोगों को, किसान भाइयों को वो सारे डालने हैं, उसके बाद पौधे को रोपना है, रोपने के बाद पानी लगाना है, यही सब करना है। अगर जैसे अभी क्या है, ज्यादातर किसानों का ये रहता है कि मृदा की जांच बहुत कम लोग करा पाते हैं, जी, और अब अगर बात करें तो मृदा की जांच के लिए उतना समय भी नहीं है कि भाई 15 से 20 दिन उसमें समय लगेगा, और किसान के पास इतना समय भी नहीं कि 20 दिन का इंतजार करेगा वो बैगन के लिए। जी, तो ऐसी स्थिति में अगर अभी कोई सीधी अपनी रोपाई करना चाहता हो पौधे की, NPK डाल तो सकते कितनी कितनी हैं, मात्रा होनी चाहिए उर्वरक की? NPK डाल सकते हैं, वो आपके हिसाब से आप कितनी क्यारी का रखते हैं, कैसा रखते हैं उसके हिसाब से, और नहीं तो लिक्विड फर्टिलाइजर में आप यूज कर सकते हैं, 1 एकड़ में 1 बोतल यूज होती है तो उसको आप यूज कर सकते हैं। NPK का जी शुरुआत में केवल NPK डाल सकते हैं। जी, पानी के साथ आप चला दीजिए, पानी के साथ। जी, और अगर कोई इंसेक्ट वगैरह आता है तो हमारे ग्रुप हैं, उनसे अगर फार्मर जुड़े हुए हैं तो उस पर फोटो भेज दीजिए, नहीं तो इंसेक्ट के लिए नॉर्मल इंसेक्टिसाइड जो भी हैं वो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि बैगन की पौध में सबसे ज़्यादा इंसेक्ट का प्रकोप ज़्यादा रहता है। जी, खैर, अगर आपसे यहाँ से कोई पौध लेके जाता है तो निश्चित रूप से आपसे जुड़ ही जाएगा, तो वो जो भी समस्या है उसका फोटो भेज के आपसे उसका जी, सॉल्यूशन सारी ले सारी सकता है। जानकारी ले सकता है वो हमारे ग्रुप पे जुड़ने के बाद। तो साथियों, आप अगर केबी के बिचपुरी आते हैं तो यहाँ अनुपम दुबे जी हैं, आप इनसे मिल सकते हैं और बैगन की पौध ले सकते हैं, और उसके बारे में अन्य जानकारियाँ या अन्य जो समस्या हैं उनका भी आपको ये समाधान बताएंगे। तो आप यहाँ केबी के एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा और दुबे जी से मिलिएगा।